हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ईएन एंड यू आर वाचिंग द सीरीज वोकैबुलरी विद नेमोनिक्स इम्पॉसिबल टू फॉरगेट। आज का पहला वर्ड होगा दोस्तों बेस्मर्च। तो दोस्तों बेस्मर्च का मतलब क्या होता है, इसको समझने से पहले इसकी एक ट्रिक बना लेते हैं दोस्तों। तो बेस्मर्च साउंड्स लाइक बेस्ट मीन्स बीस, बीस बीस मिर्च, ऐसे पढ़िए बीस मिर्च, बेस्मर्च बीस मिर्च, बीस मिर्च। आपने किसी के खाने में 20 मिर्च डाल दी, 20 मिर्च डाल दी, मतलब वो बहुत अच्छा खाना बनाता होगा, लेकिन आप उसको क्या करना चाहते थे, आप उसको डिफेम करना चाहते थे, आप उसकी रेपुटेशन खराब करना चाहते थे। आपने चुपचाप से जाके उसके बनाए खाने में 20 मिर्च डाल दी और उसका खाना बहुत तीखा हो गया। और जब लोगों ने उसका खाना खाया तो लोगों ने क्या किया, उसकी बहुत बुराई करी, बोला तुम बहुत खराब खाना बनाते हो। और इस तरीके से बेस्मर्च का मतलब हो जाता है डैमेज। बेस्मर्च का मतलब हो जाता है डैमेज समवंस रेपुटेशन, डैमेज समवंस रेपुटेशन। अब इस वे में आप इसको याद रख सकते हैं, लंबे समय तक 20 मिर्च आपने डाल दी थी एक बंदे के खाने में उसकी रेपुटेशन को डैमेज करने के लिए, एंड किसी की रेपुटेशन को डैमेज करने को बोलेंगे बेस्मर्च, बेस्मर्च, बेस्मर्च। सेकंड नंबर का आज का हमारा वर्ड है गिब्बरिश। गिब्बरिश, गिब्बरिश साउंड लाइक गब्बर, गब्बर, गिब्बर, गब्बर, गब्बर। गब्बर शोले मूवी का गब्बर क्या था, बहुत फालतू बातें करता था, रबिश करता रहता था, शोले मूवी का गब्बर, रबिश, रबिश, गिब्बरिश, रबिश। गब्बर बहुत रबिश बातें करता था, गब्बर में दिमाग ही नहीं था, वो तो नॉनसेंस था, ठीक है, नॉनसेंस वाली हरकतें करता था, ठीक है। नंबर थर्ड पे आज का हमारा वर्ड होने वाला है एबुलियंट, 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 अबुल, अबुल, एक बुल, एक बुल की आप बात कर रहे हो। और जो जनरली जो बैल होता है, जो बुल होता है, वो कैसा होता है दोस्तों, वो फुल ऑफ एनर्जी होता है, एनर्जेटिक होता है। कभी परेशान करके देखना एक बैल को, पता चल जाएगा कितना एनर्जेटिक होता है बैल, ठीक है। तो एनर्जेटिक होता है, और एनर्जेटिक से आप सिनोनिम ओरा कर देंगे तो चीयरफुल भी इस एबुलियंट वर्ड का एक सिनोनिम हो सकता है, चीयरफुल भी आप बोल सकते हैं। तो इन दिस वे वी कैन रिमेम्बर एबुलियंट, अबुल, वो जो बुल होता है, जो बैल होगा, वो बहुत एनर्जेटिक होगा, चीयरफुल होगा। फोर्थ नंबर का हमारा वर्ड है राकेश, 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 राकेश साउंड्स लाइक राकेश, राकेश, राकेश रोशन, राकेश रोशन, ऋतिक रोशन के पिताजी राकेश रोशन। राकेश रोशन कैसे हैं, बहुत ही डैशिंग है राकेश रोशन, क्योंकि बॉलीवुड के सितारे हैं तो काफी डैशिंग तो होंगे ही होंगे। तो राकेश रोशन कैसे हैं, राकेश रोशन डैशिंग है और बहुत ही फैशनेबल है, शायद आपको पता नहीं होगा, तो आज हमने पता कर लिया है कि राकेश कैसे हैं, राकेश, राकेश रोशन कैसे हैं, बहुत फैशनेबल है, बहुत डैशिंग है। तो राकेश का मतलब होता है डैशिंग, फैशनेबल। मीक, नंबर फिफ्थ पे हमारा वर्ड है दोस्तों मीक, साउंड्स लाइक वीक, मीक, वीक, मीक, वीक, मीक, वीक, मीक, वीक, मीक, वीक। तो मीक का मतलब हो जाएगा दोस्तों वीक, मीक का मतलब हो जाएगा वीक। और जो लोग वीक होते हैं ना दोस्तों, वो बहुत क्वाइट होते हैं, तो मीक को रिलेट करिए वीक से। और जो लोग वीक होंगे ना, वो बहुत ही कैसे होंगे, वो बहुत ही जेंटल होंगे, मतलब वो बहुत कमजोर है तो वो किसी से बदतमीजी भी नहीं करेंगे, काफी जेंटल होंगे, नहीं तो उनको कोई मार सकता है ना, बहुत जेंटल होंगे, बहुत क्वाइट होंगे, बहुत क्वाइट होंगे, और क्या कह सकते हैं, बहुत हम्बल भी होंगे, क्योंकि जो कमजोर लोग होते हैं वो लड़ाई झगड़ा तो कर नहीं पाएंगे, तो बहुत हम्बल भी होंगे, हम्बल भी होंगे। और दे आर ऑलवेज नॉट विलिंग टू आर्ग्यू, मतलब आर्ग्यू वगैरह नहीं करेंगे, इंटरेस्टेड नहीं होंगे आर्ग्यूमेंट वगैरह में। तो मीक से याद रखिए वीक, मीक, वीक। और जो लोग वीक होते हैं वो जेंटल होते हैं, क्वाइट होते हैं, हम्बल होते हैं। तो इस तरीके से हमने याद किया इस वर्ड को, मीक को। आगे बढ़ते हैं, सिक्स नंबर का आज का हमारा वर्ड है दोस्तों एवल्यूशन, 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 एवल्यूशन साउंड्स लाइक, कैसा साउंड कर रहा है एवल्यूशन, देखिए दोस्तों एवल्यूशन साउंड्स लाइक सोल्यूशन, एवल्यूशन साउंड्स लाइक सोल्यूशन, एवल्यूशन, सोल्यूशन, सोल्यूशन। और सोल्यूशन से आप क्या करते हैं, किसी भी चीज की सफाई करते हैं, क्लींजिंग, क्लींजिंग। तो एवल्यूशन मीन्स हो जाएगा क्लींजिंग, क्लींजिंग, और प्यूरिफिकेशन भी बोलेंगे इसको, सिनोनिम अगर देखें तो प्यूरिफिकेशन, एब्ल्यूशन, एब्ल्यूशन, सोल्यूशन। तो सोल्यूशन, सोल्यूशन मतलब किसी लिक्विड की हम बात कर रहे हैं, और किसी सोल्यूशन से हम क्या करेंगे, किसी चीज को क्लीन करेंगे, उसको प्यूरिफाई करेंगे, क्लींजिंग, प्यूरिफिकेशन, एब्ल्यूशन, एब्ल्यूशन, ठीक है दोस्तों। सेवंथ नंबर का हमारा वर्ड है अमॉर्फस, अमॉर्फस, अमॉर्फस। तो देखिए दोस्तों इस वर्ड को तो आप एक काम करिए, ये जो मॉर्फ शब्द होता है, मॉर्फ, मॉर्फ वर्ड को आप याद कर लीजिए दोस्तों। मॉर्फ जो है इसका खुद का ही ये रूट वर्ड है, मॉर्फ का मतलब होता है शेप, मॉर्फ का मतलब होता है शेप,
मॉर्फ का मतलब होता है शेप, इसको आप याद करिए, तो मोर का मतलब होता है शेप, और शेप लेकिन इसके आगे ए लगा हुआ है तो ये अमॉर्फ है, अमॉर्फ है मतलब ये नेगेटिव सेंस में लेके जा रहा है किसी चीज को, तो यहाँ पे हम बात करेंगे शेपलेस होने की, अमॉर्फस मीन्स शेपलेस, अमॉर्फस मीन्स शेपलेस, ठीक है दोस्तों। आज का 8 नंबर का हमारा वर्ड रहेगा अभोर, 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 भोर का मतलब होता है दोस्तों सुबह, भोर जो होते हैं ना भोर, भोर भोर का मतलब होता है सुबह, और सुबह जनरली कई लोगों को सुबह उठना पसंद नहीं होता है, वो थोड़ा हेट करते हैं जल्दी सुबह जल्दी उठने से, तो अभोर का मतलब हो जाएगा टू हेट समथिंग, ठीक है, टू हेट, टू हेट, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं हम। 9th नंबर का आज का हमारा वर्ड होगा ऑगमेंट, ऑगमेंट, एंड ऑगमेंट साउंड लाइक आग, ऑग, आग, आग, आग में आप क्या डाल रहे हैं, मिंट डाल रहे हैं, आग में आप क्या डाल रहे हैं, मिंट डाल रहे हैं, मतलब आप किसी चीज को और ज्यादा क्या कर रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है, लड़ाई झगड़े को ऑगमेंट कर रहे हैं, जैसे आप बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आग में मिंट डाल के आग को बढ़ा देंगे तो आप इंक्रीज कर देंगे, ऑगमेंट मीन्स इंक्रीज, इनलार्ज, इंक्रीज, इनलार्ज, इस तरीके से रिलेट करिए, ऑगमेंट आप याद रख सकते हैं। आज का आखिरी हमारा वर्ड होने वाला है एब्जेक्ट, 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 एब्जेक्ट साउंड लाइक इजेक्ट, 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 ठीक है दोस्तों, एब्जेक्ट साउंड लाइक इजेक्ट, और इजेक्ट, इजेक्ट, अच्छा एब्जेक्ट में आप जेट भी सुन सकते हैं, जेट से इजेक्ट हो रहे हो आप, एब्जेक्ट हो रहे हो आप, जेट से इजेक्ट हो रहे हो आप, एक जेट प्लेन में बैठे हो आप, मान लीजिए आप रफेल में बैठे हो, रफेल क्या हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, और उसकी सिचुएशन बड़ी बैड कंडीशन में, आप बहुत ऊंचाई पे उड़ रहे हो लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हो, आप होपलेस हो चुके हो कि आप कुछ नहीं हो सकता, आप बहुत माइजरेबल सिचुएशन हो गई है आपकी फ्लाइट में, ठीक है, आपका जो जेट है, आपका जो रफेल जेट है, अब वो बहुत ही एब्जेक्ट हो गया है, बहुत माइजरेबल कंडीशन हो गई है, इन बैड कंडीशन में आ गया है, होपलेस हो गए हो आप, तो आप इजेक्ट कर जाओगे, आप रफेल से क्या करोगे, आप इजेक्ट करोगे और पैराशूट से नीचे आ जाओगे, ठीक है, तो एब्जेक्ट को आप ऐसे याद रखिए, आपने इजेक्ट कर दिया है ना किसी चीज को, इजेक्ट कर दिया, क्यों, क्योंकि ना आपका जो प्लेन था ना वो बहुत बैड कंडीशन में था, तो एब्जेक्ट मीन्स हो जाएगा इन बैड कंडीशन, इन बैड कंडीशन, इन बैड कंडीशन, और आप बोल सकते हैं आप बहुत होपलेस हो गए थे तभी तो आपने एरोप्लेन, सॉरी एरोप्लेन नहीं, आपके जेट प्लेन से इजेक्ट कर दिया आप, क्योंकि होपलेस हो गए थे, नहीं तो आपकी जान भी जा सकती थी, कोई उम्मीद नहीं थी आपके प्लेन के वापस सही होने की, तो आप होपलेस हो गए, आपने इजेक्ट कर दिया, इजेक्ट कर दिया, बैड कंडीशन से आप बच गए, ठीक है, तो ऐसे आप याद रखेंगे, आज के ये थे हमारे 10 वर्ड्स, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले नए 10 वर्ड्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, आने वाले सारी वोकैबुलरी के वीडियोस आप देखते रहें और अपने वोकैबुलरी को हमारे साथ एनहेंस करते रहें, थैंक यू वेरी मच।